नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविकांत पोरवाल है और मैं इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के सही प्रयोग के बारे में। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवंबर में हम एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर एंटीबायोटिक से जुड़ी हुई खास बातें हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स वो जादुई दवाई है जो ना सिर्फ लाइफ सेवर मेडिसिन है, बल्कि अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो ये दो धार वाली तलवार है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि इसका सही प्रयोग किया जाता है तो जटिल से जटिल होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन चुटकियों में ठीक किया जा सकता है, और इसका अगर गलत प्रयोग किया जाए तो हमारे शरीर पर इसके गहन दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब हमें समझना अति आवश्यक है कि कब इसका सही प्रयोग हो रहा है और कब इसका गलत प्रयोग हो रहा है। सही प्रयोग सिर्फ तब होता है जब किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यदि संक्रमण किसी बैक्टीरिया के द्वारा है तो ही एंटीबायोटिक अपना सही प्रभाव आपके शरीर पर डालेगा और उस बैक्टीरिया को समूल नष्ट करके आपके रोगों को ठीक कर देगा। अगर गलत प्रयोग की हम बात करें तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि वायरल इन्फेक्शन्स में, टीबी के इन्फेक्शन्स में या कई दूसरे रोगों में जो कि इन्फेक्शन से मिलते जुलते होते हैं, उनके अंदर एंटीबायोटिक्स का देने का कोई फायदा नहीं होता। बल्कि यदि अगर आप लोगों को एंटीबायोटिक्स का सेवन करना पड़ा तो ना सिर्फ आपके अंगों को नुकसान होगा बल्कि आगे आने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स को इन दवाओं के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर दवाई के लिए ड्रग रेजिस्टेंट हो सकते हैं जो आपके शरीर पर पहले प्रयोग की गई है। तो दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है जानना कि कब हमारे शरीर को एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, क्योंकि सही एवं सटीक एंटीबायोटिक का प्रयोग ही आपको सुरक्षित रख सकता है। तो मैं इस एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक 2022 पे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या चिकित्सक से हमेशा पूछें कि क्या मुझे एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, क्या मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे तो ही आप इन दवाओं का सही एवं सुरक्षित प्रयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।